अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बटर चिकन बना रही हूँ अपने किचन में। तो उसके लिए मैंने ये मसाले लिए हैं। इसमें है ये बटर चिकन मसाला है। ये वाले चम्मच से एक चम्मच लिया है, ठीक है। ये बटर चिकन मसाला है, ये बाजार में आसानी से मिल जाता है, ठीक है। ये पिसी मिर्च है आधा चम्मच, ये वाले चम्मच से लिया है आधा चम्मच। आधा चम्मच पिसा धनिया और उससे भी और कम ये हल्दी पाउडर है, और ये लहसुन पाउडर है, और ये नमक है। ये सब मैंने आधा आधा चम्मच लिया है क्योंकि हमारा चिकन 1 किलो से थोड़ा कम है और आधा किलो से थोड़ा ज्यादा है। और ये चिकन है, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, पान छन्नी में पानी साफ कर लिया। और इसको धोने से पहले 1 घंटे तक मैंने पानी में डालकर और 2 ढक्कन विनेगर डालकर इसको रख दिया था, तो एकदम पूरा वाइट वाइट एकदम अच्छे से साफ हो गया है। देखिए, वाइट विनेगर डाल के रखते हैं हम, तो उससे चिकन अच्छे से पूरा प्लेट उसका साफ हो जाता है और एकदम अच्छे से साफ होता है। तो उसमें ये सब सारे मसाले डाल देंगे हम। और 1 चम्मच हम दही डाल देंगे। दही भी बिना पानी वाला होना चाहिए, और इसको अच्छे से मैरिनेट करके रख देंगे हम। फिर इसकी ग्रेवी की तैयारी करेंगे। जब तक ये 1-2 घंटे मैरिनेट होएगा, तब तक हम इसे रख देंगे मैरिनेट करके और इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेंगे। और इसमें हमें कलर वगैरह ऐड नहीं करना है। अब हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। इसको फ्रिज में रख देते हैं 1 घंटे के लिए। देखिए, चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है, 1 घंटा हो गया है। अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने 3 बड़े प्याज ले लिए हैं, उनको काट लिया है बारीक बारीक। 2 हरी मिर्चें ले ली हैं, ये कम तीखी वाली हैं, ठीक है। और 1 चम्मच ये व्हाइट वाले सफेद तिल होते हैं ना, ये वो है। और 10 से 12, 12 से क्या 15 एक काजू है, उन्हें ले लिया है। और 4 बड़े टमाटर है, उसे हमने काट लिया है, ठीक है। ये सब हम ग्रेवी में डालेंगे, तो इनको पहले फ्राई करेंगे। और ये हरा धनिया के डंठल है, तो हरे धनिया के जो अपन पत्ते तोड़ते हैं ना, उसको तो अपन ऊपर से डालते हैं, इसके डंठल बहुत फ्लेवर वाले होते हैं, तो ये मसाले में बहुत काम आते हैं। सारा टेस्ट इससे ही आता है, इसमें ही ज्यादा टेस्ट होता है। कढ़ाई में हमने बटर डाल दिया है, 1 चम्मच के हिसाब से होगा वो, कम से कम 25 ग्राम होगा। उसमें हम थोड़ा सा तेल भी डाल देंगे, साथ में थोड़ा सा तेल भी डाल देंगे। और इसको पहले हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। इसमें प्याज को हल्की हल्की गुलाबी हमें हल्की हल्की फ्राई करनी है। प्याज को हमें गुलाबी गुलाबी फ्राई करना है, फिर तो उसके बाद करना है टमाटर वगैरह डालना है। देखिए, प्याज हमारी गुलाबी हो गई है। अब हम इसमें हरी मिर्चे, टमाटर, ये सारा सामान डाल देंगे। सारी चीजें डाल के थोड़ा पानी डाल देंगे हम। हाँ, 1 गिलास पानी डालना है हमें इसमें, और इसको पकाना है अच्छे तरीके से कि ये काजू गल जाए, टमाटर गल जाए, ये सब चीजें गल जाए। इसमें हमें कुछ मसाले भी डालना है। 1 चम्मच पिसा धनिया डालेंगे हम, ठीक है। और ये जो हरे धनिया के डंठल है, ये भी इसमें डालना है हमें। इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इससे आप लोग इसको फेंका मत करिएगा। और 1 चम्मच पिसी मिर्च। और ये जो मैंने बताया था आपको बटर चिकन मसाला है, जो मैंने मैरिनेट करते टाइम डाला है, इसको भी मैं डाल दूंगी थोड़ा सा। और थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक हमने चिकन में भी डाला था, इसका ध्यान रखते हुए डालना है हमें। ग्रेवी के हिसाब से डालेंगे और इसको मिक्स करके हमें
ढक कर पकाना है ताकि ये गल जाए, फिर हम इसे पीस लेंगे अच्छे तरीके से बारीक एकदम। करके और हमें इसको ढक कर मंदी आंच पर पकाना है ताकि ये अच्छी तरीके से सब गल जाए, फिर हम इसे ढक देंगे हम और मंदी आंच पर पकाएंगे। ये देखिए वो हमने पकने पक गया है हमारा, ठंडा होने रख दिया। अब हम इसमें जो हमने चिकन मैरिनेट करा था ना उसमें उसको फ्राई करना है हमको। इसमें हमने बटर डाल दिया और हमें पूरा चिकन फ्राई करना है इसमें। और इसे हमें तेज आंच पर ही करना है कि यह पानी ना छोड़े और अच्छे से खोल कर ही पकाना है हमें इसे, ठीक है? क्योंकि इसे ढाकेंगे तो ये पानी छोड़ देगा, इसलिए हमें खोल कर इसको अच्छे से ब्राउन स्पॉट आने तक पकाना है। मेरे पास हेला हुआ फ्राई पैन नहीं है इसलिए मैं कढ़ाई में कर रही हूँ, इसमें भी काम हो ही जाएगा अच्छे से। सारे अलग अलग हमें करके इसको जमा देना है। देखिए चिकन को देख लेते हैं हम, इसको पलट देते हैं। देखिए अच्छी तरीके से इसमें ब्राउन स्पॉट आ गए हैं। अब हमें मैंने इसको पलटी कर दिया था, अब हमें इसको मंदी आंच करके गलने के लिए ढांकना है और स्लो आंच कर देना है ताकि ये देखिए यहाँ पर हमारी ग्रेवी भी तैयार हो गई है। अब हम इसे ठंडी करके पीस लेंगे। काजू वगैरह भी अच्छे से गल गए हैं, बड़े बड़े हो गए हैं देखिए, और टमाटर वगैरह भी गल गए हैं। अब हम इसे ठंडा करके देखिए मसाला हमने पीस लिया है। अब हम सालन बनाएंगे तो इसके लिए थोड़ा बटर डाल दिया है हमने। और ये कढ़ाई बड़ी है मेरी, इसलिए आपको कोई भी चीज मैं ज्यादा भी डाल रही हूँ तो आपको थोड़ी दिख रही होगी, और साथ में थोड़ा सा हम तेल भी डालेंगे। और इसमें ही ये हमारा पिसा हुआ मसाला डाल देंगे। अच्छा बहुत से लोग इसे छानते हैं पर मैंने तो इसको पीसा ही बारीक है तो छानने की जरूरत ही नहीं है। देखिए बिना छाने ही कितना अच्छा इसका टेक्चर आया, देखिए कितना स्मूथ और एकदम बारीक पीसा है मैंने। इसको इसमें डालकर थोड़ा सा पकाएंगे, हमें ज्यादा नहीं पकाना है क्योंकि वैसे ही हमारा पूरी प्याज टमाटर सब पके हुए हैं। इसमें जार में हम थोड़ा सा पानी डालकर उसको भी डाल देंगे उसमें ही, और थोड़ी देर हमें इसको 5 मिनट बस पकाना है तेज आंच पर, फिर हम इसमें अपना चिकन ऐड कर देंगे। देखिए चिकन जो हमने फ्राई करा था वो भी अब हम इसमें डाल देंगे और इसको ऐसा ब्राउन ब्राउन सेकना है, मतलब गल भी जाए और ब्राउन स्पॉट भी आ जाए। इसलिए थोड़ा आपको है ना पहले तेज आंच पे सेकना है, फिर थोड़ा मंदी आंच पे ढक कर सेकना है, तो उससे गल भी जाएगा और सिक भी अच्छे से जाएगा। अब हमें ग्रेवी के साथ इसे 10 मिनट बिल्कुल स्लो आंच पे पकाना है ढक कर। ये देखिए इसका कलर बिल्कुल बाजार जैसा है, येलो येलो। बाजार में भी बटर चिकन इसी तरीके से येलो मिलता है, रेड रेड नहीं रहता। इसमें हमें कलर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, ठीक है? अब इसे हम ढाक कर 5-10 मिनट पका लेंगे तो इसका जो बचा कुचा मसाला है और जो थोड़ा बहुत चिकन में कसा है वो सब हो जाएगी पूरी, और स्लो आंच पे पकाना है ढाक कर। देखिए मसाला अच्छे से तेल छोड़ने लगा है। अब हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे, इसको हमने हल्का सा भून लिया था तवे पर और हाथों से क्रश कर लिए, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें मिला देंगे इसको, इसको मिलाकर और साथ में ही हम फ्रेश क्रीम डाल देंगे। ये हमारी डेयरी वाली है, थोड़ी सी हम गार्निशिंग के लिए बचाकर रख रहे हैं। मिलाकर
इसे मिलाकर 5 मिनट और पका लेंगे बस, फिर हमारी तैयार हो गई। 5 मिनट और पकाना है बस इसे। ये देखिए हमारा सालन बन गया। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे, 2 मिनट बाद हम ढक के रख देंगे, 2 मिनट बाद इसे हम सर्व करेंगे। फिर मैं दिखाती हूँ आपको आगे, हरा धनिया डाल के हम थोड़ी देर ढक देंगे। ये देखिए चिकन हमारा बन गया है। इसमें हमने ऊपर से बटर डाल दिया और हम थोड़ी सी क्रीम भी ऐड करेंगे। इस तरीके से आप लोग भी बनाइए और ये बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आएगा इसका। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने करा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं करा वो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अल्लाह।